हेलो। हाँ बेटा, कहाँ पर है तू? मम्मी मैं सीपी आई हुई थी, क्या हुआ? मैं ना हॉस्पिटल आई थी आँख दिखाने के लिए और पर्स में घड़ी भूल आई। ओहो, बताओ कितने पैसे भेजने हैं? बेटा 5। हेलो हेलो मम्मी। ओ शिट, फोन बंद हो गया और मम्मी को पैसे भेजने। मम्मी हॉस्पिटल में खड़ी, अब मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी जी, एक्चुअली ना मेरा फोन डेड हो गया, आप बता सकते हो चार्जिंग पॉइंट है आसपास कोई? आई एम सॉरी, आप किसी लोकल दुकानदार से पता कीजिए, उन्हें सब पता होगा। थैंक यू। भैया मेरा ना फोन बंद हो गया है, यहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट है क्या? हाँ मैम, वो व्हाइट वाला खंबा दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, बस वहीं पे चार्जिंग पॉइंट है। थैंक यू भैया। हाय, मैं भी लगा लूँ चार्जिंग के? हाँ श्योर। थैंक यू। एप्पल का फोन है आपका? हाँ जी। हाँ लीजिए, मेरा तो हो गया चार्ज, आप लगा लीजिए। फोन तो ऑन हो गया है, चलो मम्मी को पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ जल्दी से। हेलो। हाँ बेटा। हाँ मम्मी, मैंने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, वो ना मेरा फोन बंद हो गया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। What? अकाउंट बैलेंस जीरो? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं नेट बैंकिंग से चेक करती हूँ। शिट, ये तो जीरो हो गया। कैसे? मैंने तो लास्ट ट्रांजेक्शन सिर्फ मम्मी को किया था, वो भी 5,000 रुपए। उसके बाद से तो मैंने कुछ किया भी नहीं, किसी को फोन नहीं दिया। क्या हो सकता है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने क्या किया था माँ, ही कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। क्या किया था मैंने? मैंने बस वो डाटा केबल यूज करी थी। अरे यार, खड़े खड़े पैरों में और दर्द हो गया, सुबह से कोई बकरा ही नहीं आ रहा हलाल होने के लिए। आएगा आएगा, तो टेंशन ना ले, और इस दुनिया में ना भोले लोगों की ना कमी नहीं है, हमारे पास खुद ही आएगा चल के कटने। तो पहले ये बता, इन दोनों डेटा केबल में चिप तो लगा दिए ना ढंग से? अरे हाँ लगा दिए, कहे तो तेरा बैंक अकाउंट खाली करो, तेरे पास भी बहुत फर्जी नोट है का। हाँ बता, तूने कम जमा कर रखे? ओए वो देख, वो लड़की कुछ ढूंढते हुए आ रही है, लगता है यहीं आएगी, तू रेडी रही हो? इसके हाथ में फोन भी है का? हाय, मैं भी लगा लूँ चार्जिंग के? हाँ श्योर। थैंक यू। एप्पल का फोन है आपका? हाँ जी। हाँ लीजिए, मेरा तो हो गया चार्ज, आप लगा लीजिए। अरे लगा लो, हमारा फोन चार्ज हो चुका है, और वैसे भी हम किसी का वेट कर रहे हैं, तो हमें टाइम लगेगा, तब तक आपका फोन चार्ज भी हो जाएगा। फोन तो ऑन हो गया है, चलो मम्मी को पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ जल्दी से। थैंक यू सो मच। ये देख, उसके फोन का सारा डेटा और उसके सारे फोन के पासवर्ड इस छोटी सी चिप में आ चुके हैं, अब करते हैं उसका बैंक अकाउंट खाली। तो चुप काम में देरी कैसी, चल फिर। चलो फोन ठापना। ओह नो, लगता है उन्होंने कुछ किया, कुछ स्कैम कर दिया। शिट, मेरा सारा अकाउंट बैलेंस जीरो हो गया, मेरी इतनी मेहनत के पैसे सारे। तो गाइस, अगर आपको अपना बैंक अकाउंट खाली होने से बचाना है तो थोड़े सावधान हो जाओ। ये देखिए, सरकार ने ये चार्जिंग स्टेशन हमारी सुविधा के लिए बनाए हैं, लेकिन स्कैमर्स ने यहाँ भी अपना जाल फैला लिया है। ये स्कैमर्स आपको लूटते कैसे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चलो ये देखिए, ये चार्जिंग स्टेशन पे लगे हुए पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी डाटा केबल लगाकर चार्ज करते हैं, लेकिन कई बार आप लोग देखते हैं कि ऐसे चार्जिंग स्टेशन पर पहले से ही डाटा केबल लगी हुई होती है इस टाइप की, और होता क्या है कि जो स्कैमर लोग होते हैं वो इस डाटा केबल के अंदर एक छोटी सी चिप फिट कर देते हैं और इसमें लगाकर छोड़ देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन इस चिप के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, और फिर वो स्कैम करने वाले लोग उस चिप के जरिए आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसी जगह पर अगर चार्जिंग स्टेशन यूज़ करें तो वहाँ पर अपनी डाटा केबल ही यूज़ करें, पहले से लगी हुई डाटा केबल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।